लोगों ने औसत के कुछ क्वेश्चन को पढ़ा था, वहाँ पे हम लोगों ने ये देखा था यदि एक नंबर सीरीज है, नंबर सीरीज में से या किसी नंबर सीरीज के अलावा यदि औसत दिया गया हो और बीच संख्या का निकालना या चार या पांच संख्याओं का अलग से औसत निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, ये कल हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज उसके आगे पढ़ते हैं कि यदि किसी परिवार में किसी टीम में यदि कोई नया व्यक्ति आ जाता है फिर उसका औसत कैसे निकालते हैं। एक क्वेश्चन लिखेगा, एक क्रिकेट टीम के 10 खिलाड़ियों की औसत आयु, एक क्रिकेट टीम के 10 खिलाड़ियों की औसत आयु, एक क्रिकेट टीम के 10 खिलाड़ियों की औसत आयु, औसत आयु 32 वर्ष है। यदि टीम में कप्तान को भी सम्मिलित कर लिया जाए, यदि में कप्तान को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो कुल औसत उम्र 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो कप्तान की उम्र क्या है, तो कप्तान की उम्र क्या है, बताइए आप लोग कप्तान की उम्र क्या है। हम इसे एक बार बता देते हैं, क्वेश्चन को एक बार रिपीट करते हैं हम कि एक क्रिकेट टीम के 10 खिलाड़ियों की औसत उम्र 32 वर्ष है, यदि कप्तान को भी सम्मिलित कर लिया जाता है तो औसत उम्र में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, कप्तान की उम्र क्या है। ठीक, ये प्रश्न है ना। देखिए इसे लगाएं कैसे, पहले तो ये देखेंगे क्रिकेट टीम में कितने खिलाड़ी हैं, 10। औसत उम्र कितनी है उनकी, 32 साल है, तो 10 गुणे अगर 32 करेंगे जैसा कल हम लोगों ने पढ़ लिया था, क्या निकल जाएगा, उनका योग निकल जाएगा 10 खिलाड़ियों का। फिर क्या कह रहा है कि इसमें किसको सम्मिलित कर लिया गया, कप्तान को। पहले 10 लोग थे, कितने हो गए, 11 लोग हो गए। औसत कितना होगा उम्र का, गुणा करके अंतर निकाल दीजिए, कप्तान की उम्र निकल गई, ये हो जाएगा 10 × 10 = 320। अंतर का चिन्ह लगाएंगे, 11 × 33 = 33 × 33 = 36, तो कितना हो जाएगा 20 में गया 43 वर्ष। तो कप्तान की उम्र होगी वो होगी 43 वर्ष, 43 ईयर। बहुत आसान निकल समझ लेंगे, एकदम आसान है लगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक क्रिकेट टीम के 10 खिलाड़ियों की औसत उम्र 30 वर्ष है, उनका योग 30 × 10 = 320। कह रहा है कि कप्तान को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत वो उम्र 1 वर्ष बढ़ जाती है, माने 33 गुणे खिलाड़ी संख्या 11 हो गई। इनके कुल योग में से 11 खिलाड़ी कुल योग में से 10 का घटा दें, किसका बचा, 11वें व्यक्ति का बचा। समझ आया, 33 कहां से आया, पहले तो 10 खिलाड़ियों की औसत उम्र 32 थी और कप्तान को सम्मिलित करने की संख्या कितनी हो गई, 11 हो गई, 10 से एक बढ़ गई 11 हो गया, माने 10 से बढ़कर 11 हो गए गुणे, पहले औसत 32 था, कितने वृद्धि हुई, 1 की, कितना हो गया, ठीक। आगे लिखेगा, एक परिवार के 6 सदस्यों की औसत आयु, एक परिवार के 6 सदस्यों की औसत आयु 43 वर्ष है। एक परिवार के 6 सदस्यों की औसत आयु 43 वर्ष है। एक अतिथि के आ जाने के बाद बुढ़ापा है जवान है, औसत उम्र 0.5 वर्ष की वृद्धि हो, बुढ़ापा कहते तो बुढ़ापा ला देते, 0.5 वर्ष औसत उम्र की वृद्धि होगी। तो मेहमान या अतिथि की उम्र क्या है, तो अतिथि की आयु क्या है, तो अतिथि की आयु क्या है, तो
बताएं अतिथि की आयु क्या है। एकदम आसान है, देखते चलिएगा, लगाते भी चलिएगा। देखिए, एक परिवार में 6 सदस्य थे, औसत आयु कितनी थी? 43 वर्ष थी। गुड़े यदि उनमें उनके अतिथि को भी सम्मिलित कर लिया गया तो 6 से बढ़कर कितने हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे। अब औसत उम्र पहले 43 था, कितना हो जाएगा? 43.5, आधा वर्ष की वृद्धि हुई है। तो ये हो जाएगा 6 × 43 = 18, 6 × 24 = 25, अंतर का चिन्ह 7 × 25 = 37, 7 × 21 = 24, 7 × 28 = 28, 2 = 304.5। घटाएंगे इसमें से, बड़े में छोटा घटा देंगे, कितना होगा? 46.5। ठीक, समझ में आ गया? किसी कोई समस्या? कोई समस्या नहीं सर, वो जो 43 है उसी के बगल में बस 10 लगा के 5 वाला है, क्योंकि जो जीरो वृद्धि करेंगे, जोड़ेंगे ना, पहले 43 था, बढ़ा गया, कितना 43.5 हो गया। पहले 43 था, कितना बढ़ा? आधा, 10.5, 43.5 हो गया। दो वर्ष बढ़ता 45 हो जाता। ठीक, छोटा सा क्वेश्चन और लिखिएगा। एक दफ्तर में 12 कर्मचारियों की मासिक औसत आय, एक दफ्तर में 12 कर्मचारियों की औसत मासिक आय, कितना थी? 5000 थी। 5000 थी। 5000 थी। एक नए कर्मचारी के आ जाने से उनके मासिक औसत वेतन में 500 रुपए की वृद्धि हो जाती है। 500 रुपए की वृद्धि हो जाती है नए कर्मचारी का वेतन कितना है? नए कर्मचारी का मासिक वेतन कितना है? वार्षिक पूछे तो बुढ़े 12 कर देंगे बस। तो नए कर्मचारी का मासिक वेतन कितना है? तो नए कर्मचारी का मासिक वेतन कितना है? तो नए कर्मचारी का मासिक वेतन कितना है? तो नए कर्मचारी का मासिक वेतन कितना है, बताइएगा आप लोग भी, लगाते रहिए। चलिए देखते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन लगाना। कह रहा है कि एक कंपनी में कितने एम्प्लॉई थे? 12 एम्प्लॉई थे। उनका जो मासिक वेतन था औसत कितना था? 5000। ठीक, जैसे हमने 5000 किया, क्या निकल जाएगा? उनका योग, फिर अंतर का चिन्ह। कह रहा है कि एक कर्मचारी के आ जाने से, एक कर्मचारी के आज कितना हो गया? 12 कर्मचारी कितने हो गए? वेतन बड़ा कम हुआ, कितना बड़ा, कितना हो जाएगा? 5500। क्यों 500? क्योंकि 5600 तो वेतन बढ़ा। अब इसका गुणा कर देंगे, 12×5=60, 3×2 चढ़ा दी भगवान के नाम पे, फिर 13×5=65, 13×5=71, फिर 2×2 भगवान के नाम पे। ठीक, अब 60,000 में से 71,500 घटाएंगे, कितना हो जाएगा? 11,000। बहुत पैसा कमाता था, 11,500। लेकिन अगर ये वार्षिक पूछ देता 12, छमाही पूछ देता 6, ठीक, तिमाही पूछता 3, जो भी पूछता आप कर देते। समझ में आया? कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब आगे लिखिएगा, क्या बोले इस बार? परिवार, दफ्तर, घर, क्या बोले? परिवार। चलिए लिखिएगा, एक परिवार में कितने सदस्य थे? 12 थे। एक परिवार में 12 सदस्य थे। जिनकी औसत उम्र, आप बताइए जल्दी से कितना था?
20 वर्ष था। अब बताइए बुढ़ापा बुलाएं जवान, जल्दी बताइए बुढ़ापा, एक सदस्य के आ जाने से, एक सदस्य के आ जाने से, एक अतिथि के आ जाने से 60 साल प्लस, 60 साल से कम कम, चलिए 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, 3 वर्ष की उम्र में वृद्धि हो जाती है, 3 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, ठीक। अतिथि की उम्र क्या थी? ये होमवर्क है, अगला क्वेश्चन। एक परिवार के प्रांजल कितने सदस्य थे? 8 सदस्य। एक परिवार के 8 सदस्य की औसत आयु कितना था? 35 वर्ष थी। एक सदस्य घर छोड़कर चला गया, एक सदस्य घर छोड़कर चला गया जिससे औसत उम्र कम हुआ, ज्यादा एक वर्ष की कमी हो गई, एक परिवार में कितने सदस्य थे? 8 सदस्य थे जिनकी औसत उम्र 35 वर्ष थी। एक सदस्य के बाहर चले जाने से या घर छोड़ देने से औसत उम्र 1 वर्ष कम हो गई। घर छोड़ने वाले सदस्य की उम्र क्या थी? सेम प्रोसेस है, एक परिवार में 8 सदस्य थे, कितने थे? औसत उम्र कितनी थी? 35। अगली बार कह रहा है एक सदस्य चला गया, भाग गया बंबई कमाने, गरीबी की वजह से या बेरोजगारी की वजह से, कितने हो गए? 7। उम्र बड़ी घटी, घड़ी कितनी घट गई? 34। देखिए बुढ़ापा भागा तो जवान भी पता चल जाएगा, अब बुढ़ा करेंगे 35 अट्ठे नहीं याद है आपको पहाड़ा, तो 35 दाम है 350, 350 में 70 गया कितना हुआ? 280। फिर 34 बड़े 7 करेंगे, 7 चौक 28, 7 21 2 23 होता है ना, 21 तो कब से 22 हो गया, 280 में से 238 गया कितना हुआ? 42 साल का लड़का था, ठीक कमाने गया था। अब कभी कभी दो परिवार सदस्य भर जाएंगे तब, अभी एक मिला, एक आदमी गया था, अभी दो आ भी सकते हैं, दो जा भी सकते हैं, दो कम कर देंगे, दोनों को उम्र अलग अलग बताना होगा तब। चलिए क्वेश्चन लिखिएगा तब, चलिए क्वेश्चन लिखिए, क्लियर हो जाएगा। एक परिवार, परिवारिक ही बोले, चलिए लिख लीजिए, चाहे इस बार पलटेंगे। एक परिवार के कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 14 थी, तो उनकी औसत आयु कितनी थी? 40 वर्ष थी। एक परिवार के 15 सदस्यों की औसत आयु 40 वर्ष थी, 14 सदस्यों की औसत आयु 40 वर्ष थी। दो सदस्य घर छोड़कर चले गए, जिससे औसत उम्र, अब देखिए लड़के घर छोड़कर भाग गया, लड़का था अभी हाई स्कूल में था, इंटरव्यू जो भी था, 2 वर्ष की वृद्धि हो गई, 2 वर्ष की वृद्धि हो गई, हाँ औसत उम्र में 2 वर्ष की वृद्धि हो गई, वृद्धि हो गई। यदि दोनों सदस्यों में 5 वर्ष की उम्र में अंतर हो तो, तो दोनों की उम्र क्या होगी? आप लोग लगाते रहिए, अगर आपको ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना है तो 6306344367 पे सी टेट सुपर टेट और
यूपीटेट के नोट्स उपलब्ध है, ऑनलाइन क्लासेस भी उपलब्ध है, और टेलीग्राम पे ई-लर्निंग विद दुर्गेश पेज पे, और अन अकेडमी पे भी आप ई-लर्निंग विद दुर्गेश से आप वहाँ पे हमें भी पढ़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। हमने क्वेश्चन क्या पढ़ा था, देखिए ऑनलाइन क्लास के लिए सीटेट यूपीटेट सुपरटेट ऑनलाइन क्लासेस उपलब्ध है आपके लिए। तो हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि एक परिवार के 14 सदस्यों की औसत उम्र 40 वर्ष थी, दो सदस्यों के चले जाने से औसत उम्र 2 वर्ष की वृद्धि हो गई, यदि दोनों गए हुए सदस्यों की उम्र में 5 वर्ष का अंतर रहा हो तो दोनों की उम्र क्या होगी। क्वेश्चन को मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा, ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो लगाना बहुत आसान है। क्वेश्चन को फिर मैं पढ़ता जा रहा हूँ, सॉल्व करता जा रहा हूँ, क्वेश्चन आप बोलते हैं, याद मुझे करना पड़ता है। एक परिवार में कितने सदस्य थे, 14 सदस्य थे, औसत उम्र कितनी थी, सदस्य संख्या में औसत से गुणा करेंगे, गुणे हो गया 40, कुल सदस्यों की औसत उम्र निकल गई। अब आगे आ गए, 14 थे, कितने गए, कितने बचे, औसत उम्र बढ़ गई घट गई, कितना बढ़ी, कितना होगा, भैया 40 था, 2 वर्ष बट्टा 42 हुआ, तो 12 चौक 14 चौका 56, 560, फिर 12 दुना 24, 12 चौक 48, 50, ठीक, 560 504 कितना हुआ, 54, दोनों जो लड़के भाग गए तो उनकी उम्र कितनी थी, ठीक है, 54 में दो लोग, 54 में कह रहा है कि दोनों में उम्र में 5 वर्ष का अंतर है, मतलब एक लड़का x वर्ष का, दूसरा x प्लस 5, तो लिखेंगे x प्लस 5 बराबर 54, 56 आ गया। भैया कहा इतना देर चला रहे, चलिए ठीक है, 56, ठीक 56 है, ये हो जाएगा 2x बराबर 56 माइनस 5, फिर 2x बराबर कितना, ये क्या होगा, क्या x बराबर 25.5, फिर 5x बराबर x प्लस 5 बराबर 30.5, ठीक। दूसरा तरीका शॉर्टकट लगाने वाला, कौन इतना ज्यादा लगाएगा, इस सही आ रहा है ना, सही है ना, ठीक चलिए, तब सही है तक नहीं, इसका दूसरा तरीका क्या है पता है, कह रहा क्या साल बढ़े हैं, 5 साल कम कर दीजिए, कितना बचा, 51, दो बार तोड़ दीजिए, आधा आधा 25.5 25.5, बड़े वाले में जोड़ दीजिए 26.5 और 25.5, दोनों की उम्र निकल गई अलग, ठीक। अगर दोनों की औसत उम्र पूछ देता, यही प्रश्न को ध्यान दोबारा सुनिएगा, एक परिवार में 14 सदस्यों की औसत उम्र 40 वर्ष थी, दो सदस्य के चले जाने से औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो गई, यदि अब दोनों की औसत उम्र क्या है, या गए हुए सदस्यों की औसत उम्र क्या है, तो सीधा 56/2 28 होता जाता, सेम क्वेश्चन सरल हो गया, लेकिन हमने क्या कहा क्वेश्चन को, एक परिवार में 14 सदस्यों की औसत उम्र 40 वर्ष है, दो सदस्यों के चले जाने से औसत उम्र में 2 वर्ष की वृद्धि हो गई, तो कितनी हो गई, 12 × 42, सिर्फ काट पीट के आया, दो सदस्यों की उम्र 56, फिर आगे कह रहा है कि एक सदस्य की आयु दूसरे से कितनी है, 5 वर्ष अधिक है, तो माना पहले की आयु यक्ष, दूसरे की यक्ष प्लस, फिर आ गया समीकरण बनेगा यक्ष प्लस यक्ष, यक्ष प्लस 5 बराबर 56, फिर जोड़ देंगे 2x प्लस 5 बराबर 56, 5 इधर है 75 करेंगे, बराबर को उधर ले जाएंगे तो जोड़ घटाना घटाना जोड़ गुणा का भाग भाग का, तो प्लस उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 56 - 5 बराबर 2x, तो कितना हो जाएगा, 2x बराबर 51, x बराबर 25.5, फिर एक यक्ष का निकल गया, एक सदस्य का 25.5, दूसरे का यक्ष प्लस 5, माने 25.5 बराबर 30.5, ठीक, दोनों की उम्र अलग अलग निकल गए। इसके बाद अभी और करेंगे, इस पर कई प्रकार के प्रश्न अभी और बनेंगे, ठीक। अभी क्रिकेट खिलाड़ी आएगा तो मैं प्रश्न काफी तेजी से पढ़ाया इस उद्देश्य से, आप लोग अब समझ चुके हैं, ठीक, या कोई समस्या हो तो आप बताइएगा, और ऑनलाइन क्लास उपलब्ध है, नोट्स भी उपलब्ध है, और आपका मोस्ट वेलकम है ई-लर्निंग विद दुर्गेश पे, ठीक। तो अगर आपको बेहतर लगे तो शेयर भी कर दीजिएगा, और नहीं लगे तो कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन और लिखते चलिएगा, तब जो हम जा ही रहे हैं, एक क्वेश्चन होमवर्क में, एक क्वेश्चन होमवर्क लिख लीजिएगा, घुमा के बोले, सरल बोले, जैसा आप कहिएगा, सरल बोले, चलिए लिखिएगा। एक दफ्तर के लिख लीजिए, एक दफ्तर के अब बोल चुके दफ्तर, उसमें नहीं बनाएंगे दूसरा, एक दफ्तर के 18 कर्मचारियों की औसत आय
12,600 रुपया है। 18 कर्मचारियों की औसत है 12,600 रुपया है। दो कर्मचारियों का दफ्तर छोड़ने के बाद या दो कर्मचारी दफ्तर छोड़कर चले जाए औसत आय में 1100 रुपये कमी हो गई, 1100 रुपये कमी हो गई। जाने वाले कर्मचारियों का औसत वेतन था, आप लोग भी क्वेश्चन लगा के कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता दीजिएगा और उम्मीद करते साथ आपको समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन खुद बोल गए, 18 कर्मचारी थे जी। एक कंपनी में 18 कर्मचारी थे जिनका औसत मासिक आय 12,600 रुपए था, उनके दो कर्मचारियों को चले जाने से उनके वेतन में 1100 रुपए कमी हो गई। जाने वाले कर्मचारियों का औसत वेतन कितना था?